हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ आई स्टडी यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ आई स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज है 12 अक्टूबर 2018, जो 12 अक्टूबर 2018 को जो रेलवे ग्रुप डी का पेपर हुआ है, इसकी फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनकी हम बात करेंगे। तो चलो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि 12 अक्टूबर 2018 को रेलवे ग्रुप डी का फर्स्ट पेपर हो गया है, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो गया है, और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। तो गाइस देखिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए। और अगर आप नए हैं, अभी तक लाइफ आई स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी के चिन्ह को दबा लीजिएगा, जिससे आपको हर लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे। तो देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है। तो गुजरात की बात करें तो गुजरात के मुख्यमंत्री विजयभाई रूपानी। ठीक है, अब यहाँ देखो, आपसे हो सकता है गुजरात की राजधानी भी पूछ दे, और गुजरात की राजधानी हमें पता होनी चाहिए, जो कि है गांधीनगर। फिर यहाँ पुलित्जर प्राइज 2018 का पूछा है कि 2018 का पुलित्जर प्राइज ये किसे मिला, तो ये मिला बीवी दोषी को मिला। ठीक है, फिर यहाँ विप्रो के सीईओ पूछे हैं, तो विप्रो के सीईओ की बात करें तो विप्रो है, इसके सीईओ है आबिद अली है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ जियो लाइफ टाइम अचीवमेंट से पूछा है, तो जो जियो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2017 हुए, ये किसे दिया गया। तो जियो लाइफ टाइम अचीवमेंट की बात करें तो 2017 का जियो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया माला सिन्हा और बप्पी लहरी को। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि अरुंधती रॉय है, इनको मैन बुकर प्राइज ये कब मिला। तो अरुंधती की रॉय की बात करें तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अरुंधती रॉय है, इनको जो बुकर प्राइज, मतलब ये ऑथर है, लेखक है, और इनको जो मेन बुकर प्राइज जो मिला वो मिला 1997 में। ठीक है, 1997 में। फिर यहाँ पूछा है यूनिसेफ है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ये पता होना चाहिए। तो गाइस यूनिसेफ की बात करें तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर है प्रियंका चोपड़ा। कौन है, प्रियंका चोपड़ा यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है सोनी इंडिया से पूछा है कि सोनी इंडिया इसकी सीईओ कौन है। तो सोनी इंडिया की बात करें तो इसके सीईओ है सुनील नैयर। एक क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि लक्ष्य सोरेन है, इनका किस खेल से संबंध है। तो लक्ष्य सोरेन की बात करें तो ये एक शूटर है, तो इनका जो संबंध है वो है शूटिंग से। फिर यहाँ पूछा है कि जो 10 का नोट है ना, देखो नया जो 10 का नोट चला है ना गाइस, इस पे किसका चित्र बना हुआ है, ये हमसे पूछा है। और देखो ये नोटों पे क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, कभी आपसे पूछ लेता है कि 200 के नोट के पीछे किसका चित्र बना हुआ है, कभी पूछ ले रहा है कि इस ये 10 के नोट के पीछे किसका चित्र बना हुआ है, कभी पूछ रहे हैं कि 50 के नोट के पीछे किसका चित्र बना हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो 10 के नोट की बात करें तो जो 10 का नया नोट जारी हुआ है ना, उसमें जो चित्र बना हुआ है वो बना हुआ कोणार्क मंदिर का। ठीक है, फिर यहाँ पूछा है कि बोलीविया है, इसकी राजधानी पूछिए, जो कि है लापाज। ठीक है, फिर यहाँ पूछा अरुणाचल प्रदेश है, इसके राज्यपाल पूछे हैं, और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसके राज्यपाल कौन है, इसके राज्यपाल है BD मिश्रा। एक क्वेश्चन यहाँ आंध्र प्रदेश के राज्यपाल का पूछा है, और देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है गाइस, ये क्वेश्चन कल भी पूछा गया था कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो ये है ESL नरसिम्हन। अब देखिए, आपको पता है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में पेपर ना हर जोन में हो रहा है, मतलब कि आपको पता है कि जो भारतीय रेलवे है इसके कितने जोन है, और सभी जोन में अलग अलग जगह ये पेपर चल रहा है। तो गाइस सब जगह अलग अलग क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसलिए सारे क्वेश्चंस जो जो मिले हैं ना वो वही क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि भाई एक जोन में नहीं आया तो दूसरे जोन में नहीं आया, हो सकता है कि एक जोन में नहीं आया तो दूसरे जोन में पूछे गए हो, क्योंकि सब में अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल पूछे गए, जो कि ESL नरसिम्हन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो N चंद्रबाबू नायडू है, ये है मुख्यमंत्री किसके, आंध्र प्रदेश के। साथ ही हमें पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, जो कि हैदराबाद। फिर यहाँ त्रिपुरा का पूछा है कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है, तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लव कुमार देव। ठीक है, और त्रिपुरा की राजधानी भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है, तो त्रिपुरा की राजधानी होती है अगरतला। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स है, इसकी ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स वैश्विक लोकतंत्र है सूचकांक है, जिसे ये हिंदी में कहते हैं वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक, और हिंदी इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स। तो जो ये ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स है, इसमें भारत का क्या स्थान रहा। तो ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात करें तो भारत की रैंक रही इसमें
42वां स्थान रहा। ठीक है, फिर यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि तुम्हारी सुन्नू फिल्म है इसके निर्देशक कौन है, डायरेक्टर कौन है, तो सुरेश त्रिवेणी इसका उत्तर हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि मानव शरीर है, मानव शरीर में जो रक्त होता है ना, ब्लड होता है, इसको साफ करने का काम कौन करता है, यानी कि फिल्टर करने का। तो फिल्टर, देखो साफ करना मतलब फिल्टर करना, तो देखो मानव शरीर में जो ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है किडनी करती है। क्वेश्चन अगर ये आ जाता कि मानव शरीर में जो रक्त है इसको प्यूरीफाई कौन करता है, देखो प्यूरीफाई में फिल्टर में अंतर है गाइस, प्यूरीफाई अगर दिया होता तो हमारा उत्तर हो जाता लंग्स यानी कि फेफड़े, और यहाँ पूछा है फिल्टर यानी कि साफ करना जिसे कहेंगे फिल्टर, तो हमारा उत्तर हो जाएगा किडनी। ठीक है, जिसको हिंदी में कहेंगे वक्र। ठीक है, फिर यहाँ पूछा है कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है जो जुलाई 2018 में भारत में विजिट इन्होंने किया था। तो देखो जुलाई 2018 में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने भारत में विजिट किया था, उनका नाम है मून जे इन। ठीक है, मुंजेन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस यहाँ पे पूछा है कि 6 से लेके और 8 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं ना, उनके जो दांत गिरते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो देखो 6 से लेके 8 साल की उम्र के बच्चों के जो दांत गिरते हैं उनको कहा जाता है दूध के दांत, क्योंकि दूध के दांत ही होते हैं, वही गिरते हैं 6 से 8 साल तक के बच्चों के। ठीक है, फिर यहाँ एक क्वेश्चन पूछा है कि IMF है जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ना, इसका मुख्यालय Washington DC में। ठीक है, फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है एनीमोमीटर है इससे क्या मापा जाता है, मतलब कहने का मतलब हुआ कि एनीमोमीटर का यूज किया जाता है वो क्यों किया जाता है। तो एनीमोमीटर है ना, इसका हवा की जो शक्ति होती है, वेग होता है हवा का, उसको और जो हवा की जो गति होती है ना उसको मेजर करने के लिए एनीमोमीटर यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है कि जो हवा होती है, एयर होती है, उसकी शक्ति और गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का यूज किया जाता है। फिर यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु क्या है। तो भारत में देखो वोट देने की पहले न्यूनतम आयु थी 21, लेकिन अब 21 को कम करके घटाकर कर दिया 28, यानी कि आप 18, अगर आप 18 वर्ष के हो तो आप मतलब भारतीय और 18 वर्ष के हो तो आप वोट दे सकते हो। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है ये कि MSP की फुल फॉर्म पूछी गई है जो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है सोडियम और जो पोटेशियम धातु है इसको बहुत अभिक्रियाशील ये होती है, तो इनको कहाँ पे रखी जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये तो हमें पता चल गया। देखो इस क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं कि सबसे पहले तो सोडियम और जो पोटेशियम है ये किस टाइप की होती है। तो ये जो धातु होती है ये बहुत अभिक्रियाशील होती है और इनको रखा कहाँ जाता है। तो गाइस सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो इनको जो ये जो रखी जाती है वो रखी जाती है मिट्टी के तेल में रखी जाती है ये। ठीक है, फिर यहाँ टेबल टेनिस में अर्जुन अवार्ड 2018 किसे मिला ये पूछा है। तो टेबल टेनिस के अंदर अर्जुन अवार्ड 2018 मिला मनिका बत्रा को। एक प्रश्न पूछा है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2018 में महिला एकल खिताब किसने जीता। तो देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2018 की बात करें तो इसमें महिला एकल खिताब जीता कैरोलिना ने। ठीक है, जीता। ठीक है, कैरोलिना मारिन ने। फिर यहाँ पूछा है एडिलेड नदी है, तो जो ये एडिलाइड है ये नहीं एडिलाइड जगह का नाम है, तो जो ये एडिलाइड है ये कौन सी नदी के तट पर है। तो ये टोरेन नदी के तट पर है। ठीक है, बहुत अजीब सा क्वेश्चन है गाइस और इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ये पूछा गया है। फिर यहाँ पूछा है ये विम्बेक्स युद्ध अभ्यास है ये किस किस देश के बीच का युद्ध अभ्यास है, यानी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है विम्बेक्स, और ये कौन कौन से देश के बीच की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो देखो यहीं पे याद करा देती हूँ, इंडिया तो डेफिनेटली होगा ही होगा कि भारत के साथ साथ ये है वियतनाम की, भारत और वियतनाम के बीच की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। कैसे याद करोगे, ऐसे याद करोगे कि वी से बन रहा है वियतनाम और आई से बन रहा है इंडिया, तो VI यानी कि वियतनाम और इंडिया, तो वियतनाम और इंडिया की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है विम्बेक्स। फिर देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है गाइस, ये जो लोको पायलट के पेपर हुए थे ना, असिस्टेंट लोको पायलट के, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और ग्रुप डी में भी ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन है कि ये जो एग्जाम वॉरियर पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो ये है नरेंद्र मोदी जी इसके लेखक हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि विश्व स्नूकर
चैंपियनशिप अवार्ड 2017 ये किसे मिला? तो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप अवार्ड 2017 है ये मिला मार्क सेल्बी को मिला। फिर यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि मानव नर गुणसूत्र है, इनका पूछा गया है कि ये क्या होते हैं। तो मानव नर गुणसूत्र की बात करें तो ये होते 44+XY होते हैं। अगर आपसे यहाँ पे नर ना पूछकर पूछ लिया जाता मानव मादा गुणसूत्र पूछ लिए जाते हैं तो हमारा उत्तर हो जाता 44+XX हो जाता, ठीक है। अगर देखो जोड़े में दिया हो ना तो हमारा उत्तर इसमें ये भी हो सकता है कि 22+XY जोड़े, ठीक है, ये भी हो सकता है गाइस। पर ये होगा पेयर के केस में होगा। और टोटल गुणसूत्र की बात करें नर में तो हमारा उत्तर होगा 44+XY। फिर यहाँ पे पूछा है नींबू है ये कौन सा, नींबू जो होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। तो देखो नींबू की बात करें तो नींबू एक खट्टा फल है और जो भी खट्टे फल होते हैं ना वो सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, सिट्रिक यानी खट्टे फल, और उनमें विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो जो भी खट्टे फल होते हैं ना उनमें सिट्रिक एसिड पाई जाती है, तो नींबू में कौन सी एसिड पाई जाती है, सिट्रिक एसिड, ठीक है। फिर देखिए यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया है कि फोर्थ आवर्त के अंदर कितने धातु पाए जाते हैं। तो पीरियोडिक टेबल है आवर्त सारणी, इसमें जो फोर्थ आवर्त है इसमें टोटल कितने धातु पाए जाते हैं, तो इसमें पाए जाते हैं 13 एलिमेंट पाए जाते हैं। फिर देखिए एक स्क्वायर रूट का क्वेश्चन पूछा है मैथ्स में, और हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है स्क्वायर रूट का। यहाँ पूछा है कि 1296 दे रखा है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो गाइस बहुत ज़्यादा आसान है इसे निकालना। देखो वैसे तो आपको 40 तक के वर्गमूल याद होने चाहिए, अगर आपको 40 तक के वर्गमूल याद हैं तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये 1296 है, ये 36 का वर्गमूल है, ठीक है। और अगर आपको ये याद भी नहीं है तो बहुत आसान है इसको निकालना। क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछा है स्क्वायर रूट का मतलब पावर 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 के बाद पेयर बना लेते हैं, ठीक है। देखिए मैं यहाँ करके दिखा देती हूँ, लिख लेती हूँ 1296 है, ठीक है। अब क्या है भाई, स्क्वायर रूट पूछा है यानी पावर 2, तो 2 के बाद मैं इसको काट के पेयर बना लेती हूँ। अब मैंने क्या किया, यहाँ लास्ट में यहाँ 96 जो है ना इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 6 ना इसकी लास्ट डिजिट, तो 6 भाई ऐसे कौन से स्क्वायर रूट है जिनके लास्ट में 6 आता है। तो देखो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 16 आता है, 16 होता है, तो 4 के में भी लास्ट में 6 आता है, और 6 का जो स्क्वायर रूट होता है ना वर्गमूल होता है 6 का, उसके भी लास्ट में 6 आता है क्योंकि 6 का वर्गमूल होता है 36, ठीक है। इतना काम हमने कर लिया। अब इसके बाद ये पेयर बना दिए ना, तो यहाँ पे देखो ये 96 का भाई लास्ट में 6 है, तो इसके लास्ट में ये जो 6 ऐसे यहाँ स्क्वायर रूट लिखने हैं जिनके लास्ट में 6 आता हो, तो 4 के में 6 आता है लास्ट में और जो 6 के में भी 6 आता है लास्ट में। अब यहाँ बच गया 12 बच गया, इसका क्या करें, तो इसका देखो क्या करना है कि हमें ऐसी संख्या देखनी है कि भई ये जो 12 है वो किसके स्क्वायर रूट के आसपास है। तो हमने क्या देखा, जो 3 का स्क्वायर रूट होता है ना ये तो होता है 9 होता है, और 4 का क्या होता है, तो गाइस 4 का होता है 16। अब 16 तो 12 से बड़ा हो गया, तो हम 4 तो हम लेंगे नहीं, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ हम लिख देंगे 3, ठीक है। 3 का लेंगे तो हमने दोनों जगह मतलब कि 4 के और 6 के साथ 3-3 लिख दिया, तो ये कंफर्म हो गया कि उत्तर या तो 34 आएगा या फिर 36 आएगा, लेकिन दोनों में से कौन सा आएगा। तो देखो क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या किया भाई, ये 12 है ये 3 के स्क्वायर रूट के आसपास है, तो 3 से 1 आगे यानी 4, ठीक है, गुणा किया तो कितना आया 12। अब इस 12 को और यहाँ पे जो संख्या है उसको कंपेयर कराएंगे, तो भाई यहाँ पे जो संख्या है ना ये इससे छोटी है ये बड़ी है, तो देखो ना तो छोटी है ना बड़ी है, बराबर है, और बराबर हो या फिर ज्यादा हो तो उत्तर होगा बड़ा वाला। अगर ये जो 12 है ये इस संख्या से छोटा होता तो उत्तर हो जाता 34, तो क्या उत्तर हो जाएगा, 36 उत्तर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 दे रखा है, 2 के बाद 10 है, फिर 50 है, फिर 250 है, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी। तो हमने क्या किया भाई, 2 से 10 कब बना, जब मैंने इसको 5 से गुणा कर दिया। अब मुझे बताओ 10 से 50 कब बनेगा, जब मैं 10 × 5 कर दूं, और 50 से 250 कब बना, जब मैंने 50 को 5 से गुणा कर दिया। तो भाई आगे की जो टर्म आएगी
वो भी तो गुणा 5 से होगा ना, तो यानी कि 250 जो है इसको गुणा कर देंगे 5 से, और जब 250 को गुणा किया 5 से तो उत्तर आया 1250, तो उत्तर हो जाएगा 1250, यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वैन आरे का लगातार हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे बोला है कार, बस और ट्रेन के बीच का वैन आरे बनाना है, क्या संबंध है? तो हमने देखा कि कार, बस और ट्रेन तीनों अलग अलग चीज है, अलग अलग है, तो चलो ये कार, ये बस और ये ट्रेन तीनों का इस तरह का बन जाएगा। फिर यहाँ फिगर काउंटिंग से गाइस लगातार हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, और आपसे कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है फिगर काउंटिंग में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इस प्रकार का कोई फिगर दे दिया हो और आपसे पूछ दिया हो कि इसके अंदर कितने त्रिभुज बनेंगे इस आकृति में, तो हमें क्या करना है? देखो, हमें जो ये कॉन्सेप्ट होता है ना, देखो ये जो कॉन्सेप्ट होता है, ये वाला कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा इस कॉन्सेप्ट के अंदर तो यहाँ कितने पार्ट बन रहे हैं, 1 2, तो 1 + 2 कितने हो गए, 3। तो बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ काम आने वाला है। हमने क्या देखा कि सबसे पहले बड़ा वाला है, इसमें दो त्रिभुज बन रहे। देखो, एक तो ये छोटा हिस्सा बन रहा है, ठीक है, एक तो ये छोटा हिस्सा बन रहा है, और एक कौन सा बन रहा है, एक ये पूरा बड़ा वाला हिस्सा बन रहा है। तो चलो पहले बड़े वाले हिस्से को सॉल्व कर लेते हैं। तो बड़े वाले हिस्से को सॉल्व किया तो हमने देखा इसके अंदर कितने पार्ट बन रहे हैं, तो 1 2 3 4, 4 बन रहे, तो जोड़ लेते हैं इनको, 1 2 3 और 4। जब इनको जोड़ा तो उत्तर आया 10। तो भाई यहाँ देखते हैं यहाँ कितने पार्ट बन रहे हैं, 1 2 3 4, 4 ही हम बनने, तो जब इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे भी 10 ही मिलेगा। देखो, कितनी भी लाइन खींची हो, बस हमें ये पता है कि जितने पार्ट यहाँ बनेंगे ना बड़े वाले में, उतने ही पार्ट इनमें बनेंगे। तो 10 और 10 कितने हो जाएंगे, 10 + 10 हो जाएंगे 20, तो 20 उत्तर हो जाएगा इसका। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि जो 9 बजे का समय हो रहा है, और हमें बताना है, घड़ी का क्वेश्चन है, घड़ी चैप्टर का, क्लॉक का, कि इसकी मिरर इमेज क्या होगी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जब भी प्रश्न में दिया हुआ समय 11 बजे से, 11 बजे या 11 बजे से कम का हो, या तो 11 बजे का हो या 11 बजे से कम का हो, तो हम क्या कर देंगे, वो जो समय दे रखा है ना, उस समय को 11:60 में से माइनस कर देंगे। तो अब 9 को हम 11:60 में से माइनस कर देते हैं, तो जब मैंने 9 को 11:60 में से मैंने माइनस किया तो क्या बच गया, यहाँ हो गया 2:60, तो यानी कि ये उत्तर आ जाएगा 2:60, 2:60 यानी 3 बज गए, तो 3 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि लीप ईयर से इसमें ऑड डेज है ये कितने होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल दिन कितने होते हैं लीप ईयर में, तो लीप ईयर में होते 366 दिन होते हैं, तो इनमें दे देंगे 7 का भाग दे देंगे। अब देखिए, जब मैंने 366 के अंदर 7 का मैंने भाग दिया तो क्या मिल जाएगा, मेरे को मिल जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 2 शेष बच रहा है, क्या बच रहा है, 2 शेष बच रहा है, यानी कि 366 में जब 7 का भाग देंगे तो 52 बार तो भाग जाएगा, और 2 क्या बच जाएगा, शेष बच जाएगा। तो ये जो जो 2 शेष बचा ना, यही ऑड डेज है, तो उत्तर हो जाएगा 2। ठीक है, तो गाइस ये थे कुछ क्वेश्चंस जो 12 अक्टूबर 2018 को जो रेलवे ग्रुप डी का पहली शिफ्ट का पेपर हुआ है उसमें पूछे गए प्रश्न है। तो गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए वीडियो को, और अगर लाइफाई स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पास ही में घंटी का चिन्ह है आप उसे ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।